हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल। और ऐसा क्या हो गया इस बॉक्स के डिलीवरी के दौरान दैट कम्प्लीटली पिस्ड मी ऑफ, स्पेशली फॉर दिस कंपनी कॉल्ड DHL कंपनी, व्हिच यू ऑलरेडी नो इज अ वेरी नोन ब्रांड। और जबकि ये पार्सल इंटरनेशनली शिप होके आया था ऑल द वे फ्रॉम एरिजोना US, और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कई लोग मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। लेट्स गेट इनटू इट राइट नाउ। पहले तो स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, फिर उसके क्लेरिफिकेशन के बाद हम लोग आएंगे इस बॉक्स के बिलोंगिंग्स में, इसमें है क्या क्या, और उसे अनबॉक्स करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने साथ। बट उससे पहले अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे इंटरनेशनल शिपिंग के दौरान, दैट टू बाय DHL विच इज़ अ वेरी रिनाउंड ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड। आप लोगों में से मैक्सिमम सभी लोगों ने सुना होगा DHL का नाम। तो स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स बैक जब मैंने एक पहला अपना सामान इंटरनेशनली मंगवाया था जर्मनी से, आप लोगों को याद होगा लद्दाख ट्रिप से पहले गिवी का 42 लीटर बॉक्स, तो उस समय DHL तो नहीं था, बट नॉर्मल मैंने इंडियन गवर्नमेंट का जो पोस्टल सर्विस है उससे मंगवाया था, जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे कुछ पैसे बचाना चाहता था, जिसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ख़राब था। आई बटन में मैंने वीडियो छोड़ दिया, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट। वेयर इज दिस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार इंडियन पोस्ट से नहीं मंगवाना है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए, DHL एक्सप्रेस कुरियर चूज़ किया मैंने इस बार। अब मैं या आप, हम कोई भी पार्सल अगर एक्सप्रेस डिलीवरी कुरियर में मंगाते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे देख के, तो हम सबका इंटेंशन रहता है कि पार्सल जल्दी से जल्द आ जाए और सेफ तरीके से है। मेरा भी सेम इंटेंशन था, बट हुआ क्या, अब मेरे को आता ये वाला मेल Feb 15 को, द शिपमेंट हैज लैंडेड इन दिल्ली कुरियर मोड। आपको एक बार ये लग सकता है कि ऑटोमेटेड मेल है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपका शिपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। तो ये मेल पढ़ के सीधा हमें पता चलता है कि कोई पर्सन इसके पीछे है जिसने ये मेरे को मेल करा। तो ये जो आप दो देख पा रहे हो, इनवॉइस कॉपी एंड दिस इज़ द पर्सनलाइज लेटर, जो कि मुझे एक्सप्लेन करके बताना था कि व्हाट वाज द एंड यूज ऑफ द कंटेंट। मैंने विद इन 3 आवर्स इसे भेज डाला। ऐसे ही टाइम पार होता गया, एक दिन दो दिन मैंने वेट करा, 3 दिन मैंने वेट करा, उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेल में इन लोगों ने डायरेक्टली मेंशन करा हुआ है कि द इंपोर्टेंट शुड बी लेवल्ड टू पे द चार्जेस ऑफ द लेट प्रेजेंटेशन एट द रेट ऑफ 5000 पर डे एंड आफ्टर 3 डेज दे विल चार्ज मी ₹10,000 पर डे। तो मेरा कंसर्न था कि कहीं यार इन लोग मेल ना देखे और मेरे को ऐसा ऐसा लगा दे तो फिर बाद में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर दिया। तो फिर मैंने इनकी हेल्पलाइन नंबर में मैंने कॉल किया, कॉल करके बताया ऐसा है, एंड देन दे आफ्टर 2 डेज दे गॉट बैक टू मी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर आया कस्टम्स का वारी। तो सभी को, आप लोग में से सभी को पता है कि लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर हम लोग कोई सामान इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसके ऊपर कस्टम लगता है, एंड दैट इज़ जनरली 42% या 45% समटाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट यू आर इंपोर्टिंग। उसके बाद मेरे को एक मेल आया कि आपका कस्टम क्लियर हो गया है एंड ये कस्टम निकल के आया है, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। कस्टम पे करने के बाद ही विद इन 2-3 मिनट्स मुझे उनका एक इनवॉइस भी मिल गया दैट योर कस्टम इज सक्सेसफुली पेड। असली नाटक चालू हुआ जब ये कुरियर मेरे लोकल कुरियर गाय के पास आया और मेरे को सुबह एक कॉल आता है कि सर आपका ऐसा ऐसा पार्सल आया हुआ है। आई टोल्ड हिम यस, मेरा नाम है विशाल सिंह, ये मेरा ही पार्सल है, एंड ही वॉज लाइक आपके ऊपर इतना इतना कस्टम लगा है जो कि आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला व्हाट, कस्टम देना पड़ेगा जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मैंने एज ए प्रूफ अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसका स्क्रीनशॉट मैंने उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा सो दैट ही कुड रीकन्फर्म, एंड ही वाज लाइक हम ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया कि हमको आपको ये सामान ऐसे देना, हमें इतना अमाउंट कलेक्ट करने को बोला गया है जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सेम जो ईमेल आईडी था उस पर मैंने मेल करा, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, दे अश्योर्ड मी दैट 24 घंटे में आपका सॉर्टेड हो जाएगा सब कुछ, डोंट वरी सर इट्स ओके। मैंने बोला चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सेकेंड डे फिर से मेरे पास एक मेल आता है कि और 24 घंटा हम लोग एक्सटेंड करने को दीजिए, विल लुक आफ्टर दैट। मेरा दिमाग खराब, भाई मेरे अगर तुम्हें तुम्हारे ही दिए हुए इनवॉइस का नोटिफिकेशन जो तुम लोग को ही नहीं मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट DHL, आप लोगों को खुद ही पता नहीं है ये सब, आप लोगों ने मेरे को इनवॉइस भी भेजा बतौर मेल पे, वी हैव नोटेड योर रिक्वेस्ट, हाउएवर वी नीड यू टू शेयर द पेमेंट डिटेल्स। आप लोग ये चीज़ को आप खुद कंपेयर करके देखो, जो इनवॉइस डिटेल्स उन लोगों ने मेरे को भेजा, उन लोगों को खुद फिर से वो चाहिए ताकि वो दोबारा चेक कर सके।
वाओ DHL वाओ। ये मेल पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब, मैंने कॉल किया फिर से। कुरियर गाय इज अगेन आस्किंग फॉर द सेम अमाउंट व्हिच आई हैव ऑलरेडी पेड। द थिंग इज दिस, नो नो सर, प्लीज 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 लिसन टू मी फर्स्ट। यस्टरडे ऑल्सो आई raised this same query and there was this ma'am, I forgot her name, but she assured me that she will do something. And a moments back I am getting an email saying that please be advised that you need to give us full payment details with the reference number for the same along the data, time and amount. Okay, she did not told me anything about, she told me that we'll check. And in return I am getting twice, I am getting the same email. Aur uske baad within 24 hours ye hua. Packet dikh raha hai aapko piche, उस पैकेट के लिए ही सारा घमासान हुआ है। एक तो कस्टम वालों को लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखो, कस्टम भरो, उसके बाद रिक्वेस्ट करो कि मैंने तो कस्टम भर दिया है, आप प्लीज़ मेरा माल छोड़ दो जो कि मेरे घर के पास आया हुआ है, ताकि मैं दोबारा कस्टम देने से बच जाऊं, ठीक है। उसके बाद मेरा लोकल कुरियर वाला फ़ोन करता है, हेलो सर, आपको आज खुद ही आप लेने आ सकते होगा, नहीं तो हम लोग कल देंगे बिकॉज हमारा लड़का नहीं है, चला गया है। मतलब ये सारा मेरे साथ ही होता है क्या यार, और किसी के साथ हुआ है सर? You are paying approximately 3,000-3,500 for express delivery और आप इतना ये सब चीज़ हैसल करते हो। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करा होगा। और मैं अगर बोलूँ कि मैं ही पहला बंदा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कस्टम वालों ने किया है, तो वो गलत होगा। आप लोगों में से कईयों ने इसे ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई नॉर्मल वाला कुरियर सर्विस तो ठीक है, आप लोग 20-25 दिन 30 दिन लगाते हो, जब हम एक्सप्रेस कराते इतना पैसा देते हैं, वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। तो आपने मेरे को इनवॉइस भेजा, दैट योर कस्टम इज पेड, दिस इज योर इनवॉइस, मेरे पास मेल में है, मैंने आप लोग को दिखाया अभी। जब मेरे को डिलीवरी होने वाला है पार्सल, वो बोलते हैं कि आपका पेड नहीं है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। तो भाई ये सही नहीं है, ठीक है, विच आई एम श्योर अभी तो कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो इतना परेशान मत किया करो आपके कस्टमर को, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस विच आई फेस्ड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू गो थ्रू दिस अगेन। प्लीज आप लोग भी साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज 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 डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। और ऑल द कंप्लेंट्स आउट ऑफ द वे, अब डायरेक्टली जाते हैं बेस्ट पार्ट की तरफ, जो कि कहाँ गया अनबॉक्सिंग। एरोप्रेस फनल स्पून कॉफ़ी स्टेरर। अब ये जो हमारे पास ये फ़िल्टर कैप है, ये 350 पीसेस का एक सेट आता है, आपको पूरे एरोप्रेस के साथ मिलता है वो, बट उसके बाद क्या, एंड दिस थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बाय अगेन, स्पेशली अराउंड 1000 रुपीज़ का आता है ये, 1000 या फिर 1100। इसका एक स्पेयर आता है, दिस इज़ द वन आई गॉट विच इज़ कॉफ़ी डिस्क। ये देखो ये मेटल का है, जब तक ये गुम नहीं हो जाता ना तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द प्लंजर कम कॉफ़ी स्टोरिंग कैप, जो कि यहाँ पे ऐसे लग जाता है, एंड इनसाइड व्हाइल ट्रैवलिंग आई कैन यूज़ दिस टू स्टोर माय कॉफीज। नॉर्मली जो हमारे पास ग्लास का फ्रेंच प्रेस अवेलेबल रहता है घर पे, जो कि जनरली मिलता है हर जगह, उसे अगर आप लेके ट्रैवल करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि वो टूट जाए इन ट्रांजिट कहीं भी। एंड उसके ऑल्टरनेटिव अगर आप स्टील का कोई फ्रेंच प्रेस लेते हो, कोई ब्रूअर लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बल्की भी हो जाता है। और जैसा कि ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है और बहुत ही कॉम्पैक्ट डायमेंशन से बना हुआ है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसका जो ब्रीविंग मेथड है वो बहुत ही यूनिक है, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि मतलब आपको उतना ज़्यादा ऑयली टेस्ट पता नहीं चलता एक बार कॉफ़ी ब्रू होने के बाद। और बस यही था, कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट से। और इनकेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट, एक लिंक छोड़ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो अहेड एंड परचेज इट फॉर योरसेल्फ। और जो दूसरी बात है वो इसका मुझे टोटल कितना पड़ा विथ द एरोप्रेस एंड ऑल द गुडीज़, जैसे कि ये एक्स्ट्रा ड्रिपर एंड ट्रेवल किट, जो भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा वगैरह ये सब लिया, उसका मुझे पड़ गया टोटल $190 इंक्लूडिंग शिपिंग।
वेल गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। DHL वालों के साथ इतना तोड़फोड़, इतने दिन की वेटिंग सिर्फ इस एरोप्रेस के लिए। वेल एक बात मैं बोलूँगा, इट वॉज डेफिनेटली वेरी 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 मच वर्थ इट। सो गाइज आई सिंसियरली होप इस एरोप्रेस के बारे में आप लोगों को मैं सही से बता पाया, इसका इम्पोर्टेंस समझा पाया। एंड एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इफ़ यू लव कॉफ़ी एंड इफ़ यू आर अ ट्रेवलर गाइज, दिस इज़ द थिंग यू शुड हैव इन योर ट्रेवल बैकपैक और एट योर प्लेस। लाइक सिंसियरली ये जो चीज़ है ना, बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बोलना थोड़ा ज़्यादा एग्जेजरेट करना होगा, बट जितने लोगों को भी मैंने देखा है, उनका एक्सपीरियंस सुना है और जो मैंने अभी फील करा, दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट। तो इससे पहले ये कॉफ़ी ठंडी हो जाए फटाफट, इसे ख़त्म कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी, आई नो मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ अपना, बट क्या कर सकते हैं, अच्छी बनी है तो बनी है। तो अगर वीडियो पसंद आया या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, डू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। अंटिल देन, माय नेम इज विशाल एंड आई विल सी यू अगेन विद द सेम एंथुसियाज्म। जय।